आज की वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड कम प्रोडक्ट्स के साथ में मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो देखने बहुत ही नेचुरल लग रहा है। विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले करेंगे हम स्किन केयर। उसके लिए सबसे पहले मैंने टोनर लिया, फेस को अच्छे से वॉश कर लिया। टोनर मैंने लिया हिमालय का, ये ऑल स्किन टाइप है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो नेक्स्ट हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये प्लम का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से स्किन को हाइड्रेट भी करता है, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी अपने फेस पे। जब मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये बीबी क्रीम। ये बीबी क्रीम मुझे पीआर में रिसीव हुई थी, बहुत ही लाइट वेट है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है फेस पे, और स्पेशली ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूंगी, एंड ब्लेंड करने के बाद देख सकते हो इसकी कवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, शेयर कवरेज ही है। मुझे वैसे भी ना लाइट वेट एंड शेयर कवरेज फाउंडेशन एंड बीबी क्रीम अच्छी लगती है। तो अच्छे से देख सकते हो फेस पे ब्लेंड हो चुका है, इसके लिए अच्छी क्रीम है। तो नेक्स्ट मैं करूंगी आई मेकअप। इसके लिए मैंने पैलेट लिया, इसमें से ये पिंक कलर का जो कलर है मैं इसको उठा के एंड अपने आई पे ब्लेंड करूंगी अच्छे से, एंड बहुत ही लाइट सा मेकअप करने वाली हूँ। आई मेकअप भी बहुत ही लाइट होगा मेरा। नेक्स्ट हम मस्कारा लगाएंगे। इसके लिए स्काई हाई का मैंने मस्कारा लिया है। इसे अच्छे से अपने लैशेस पे कोट कर लूंगी, दो कोट करूंगी, ज्यादा नहीं करना मुझे, एंड ऊपर लैशेस वाले पे एंड लोअर लैशेस पे, दोनों पे ही मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये फेस पाउडर, ये मेबलिन का फेस पाउडर, काफी अच्छा फेस पाउडर है, ये बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, एंड स्किन पे बहुत अच्छे से ना एक कवरेज भी दे देता है हल्की सी। तो मुझे ये ना पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला फेस पाउडर, इसे नेक पे भी अच्छे से अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैंने शुगर का पैलेट लिया है, इसमें से जो ब्लशर है ना, ये ब्लश बहुत ही नेचुरल लुक देता है। इसको मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूंगी, एंड देख सकते हो बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं है इसकी, बट मुझे अच्छा लगता है। एंड अपनी फिंगर की हेल्प से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी, बहुत अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई हो जाता है, एंड बिल्कुल नेचुरल वाला फिनिश लगता है इस हाइलाइटर का, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा मैं इसको यूज करती हूँ। अपनी नोज पे भी आप देख सकते हो, नोज पे भी जितने भी मेरे हाइलाइट्स पॉइंट्स है ना, मैंने वहां पे इस पर अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये आईब्रो पेंसिल, ये इनसाइड की आईब्रो पेंसिल है। दोनों तरफ, एक तरफ स्पूली मिल जाता है और एक तरफ ना प्रोडक्ट मिल जाता है। स्पूली से पहले आईब्रो को सेट कर लिया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लिया है। प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई करूंगी, अप्लाई करने के बाद इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, ये डार्क ब्राउन है और बहुत ज्यादा अच्छा कलर आता है, बिल्कुल ना लगता है नेचुरल ही मेरी आईब्रोज ही ऐसी है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसको, मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मेरी ये तीसरी आईब्रो पेंसिल है, मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, मैं डेली वेयर में भी इसको लगाना पसंद करती हूँ। जब कहीं आसपास भी कहीं जाना हो मार्केट वगैरह में, तो इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल सी मेरी आईब्रोज लग रही, बिल्कुल फेक फेक नहीं लगे। तो नेक्स्ट मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक, जिसका मैं रिव्यू मैं दे चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। तो ये वाला ब्राउन शेड मैंने लिया है, ब्राउन शेड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इस लुक पे ना, बहुत अच्छा जा रहा था, तो मैंने ये ब्राउन कलर लिया है। मेरे कपड़ों से भी बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था, तो इसलिए ना ये कलर बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा भी लग रहा था। तो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। मैं छोटी सी बिंदी लगा लिया, मतलब ये सिंदूर से ही मैंने हल्की सी बिंदी लगा ली है, तो कंप्लीट मेरा लुक ये है। मैंने बालों को ओपन कर लिया है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा लुक अच्छा लगा, बहुत लाइट वेट, बहुत कम प्रोडक्ट के साथ मैंने इस लुक को किया है। आप भी चाहो तो आसपास कहीं जाना हो, घर में छोटी मोटी कोई पार्टी हो, मार्केट जाना हो, या किसी के आसपास कहीं पर जाना हो आपको अपने रिश्तेदारी में, तो इस तरह से मेकअप आप कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जरा सी भी हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।